आपका मनोरंजन करने वाली फिल्मों में पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, ये सवाल आपके जहन में अक्सर उठता रहता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए स्वर्णिम मीडिया की टीम आ पहुंची है मैथिली फिल्म प्रेमक फसाद के सेट पर, जहां हमने कलाकारों की मस्ती से लेकर फिल्मी पर्दे के उस अनजाने पहलू को जानने का प्रयास किया है जिससे अक्सर हम अनजान होते हैं। नमस्कार, स्वर्णिम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर और आपको लिए आया हूं मैथिली फिल्म प्रेमक बसात के सेट पर, जहां हमारे साथ मौजूद है फिल्म के प्रोड्यूसर कुणाल ठाकुर। आप सभी मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली फिल्म और मिथिलांचल के विकास के लिए आप लोग मिथिलांचल की धरती पर जो टेलीविज़न के माध्यम से काम कर रहे हैं, इसके लिए आप तमाम मीडिया कर्मी और आपका जो कोर टीम है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कुणाल जी, काफ़ी समय बाद जो है मैथिली में एक फिल्म आ रही है प्रेमक बसात, आप लोगों ने नाम रखा है, बहुत प्यारा नाम है, तो क्या इस फिल्म से जो मैथिली की खोई हुई इज्जत है वो वापस आ पाएगी? देखिए, मैथिली फिल्म और सिनेमा का व्यवसायीकरण नहीं के बराबर हुआ है। प्रायः ये देखा जा रहा है जो मैथिली फिल्म बनाने वाले या उसमें पैसा लगाने वाले या इन्वेस्टर, प्रायः निर्माता जो प्रोड्यूसर खुद ब खुद हीरो बन जाते हैं, उनको व्यवसाय बिजनेस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। वो ये सोच के फिल्म बनाते हैं जो हमने पैसा लगाया तो हम ही हीरो बनेंगे, बाकी उनके मित्र मंडली, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, तो कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल लोग जब काम करेंगे और जिनको फिल्म के बारे में एफ नहीं मालूम है, सिनेमा का सी नहीं मालूम है, तो मैथिली फिल्म का विकास तो दूर की बात है, मैथिली फिल्म का बाज़ार भी स्थापित नहीं हो पाएगा। तो ये सब कठिनाइयाँ और दिक्कत है। इसको देखते हुए बेसिकली मैं फिल्म इंडस्ट्री में विगत 15 सालों से हिंदी सिनेमा जगत में हमने काम किया, प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारा फिल्म किया। अभी मैंने जैसा कि हमें जानकारी है कुणाल जी, आप टॉयलेट एक प्रेम कथा और स्पेशल 26 जैसे बड़ी फिल्मों में उसका हिस्सा रह चुके हैं, तो अभी वहाँ से जो आप मैथिली फिल्मों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि मैथिली फिल्म का बाज़ार भी व्यापक बना पाएंगे? देखिए, मैं निगेटिव के टाइम से काम कर रहा हूँ, जब कैमरे में निगेटिव लगता था उस टाइम फिल्म बनाना लोहे के चने चबाना के बराबर था, और एक 4 मिनट का निगेटिव का 13,000 से 15,000 रुपया लगता था। हाई स्पीड 50D 250, बहुत सारा कठिनाई था, सिर्फ निगेटिव में 20-20 लाख, 50-50 लाख, करोड़ रुपया। आज तो चिप आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, फिल्म बनाना आसान हो गया है। तो जब उस टाइम में सस्ता जिनके महक सिंह बना था, आप सोच सकते हैं कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा निर्माता बालकृष्ण जी को। कोई परिवारवाद, कोई भाई भतीजावाद, कोई रिश्तेदार, किसी दोस्त को नहीं लिया। जो हमारे फिल्म में 28 कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर के ऊपर हमने गहराई से सोचा। ऑडिशन लेने के बाद तुरंत डिसीजन लिया, बॉम्बे जाकर डेस्क पर हमने 15 दिन रात को 2-2 बजे तक एक एक ऑडिशन को 100 टाइम देखा जो हमारे कैरेक्टर में फिट होगा तभी लेंगे। मतलब काफ़ी खोजबीन के बाद काफ़ी जो है सजग तरीके से इस फिल्म पे आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये फिल्म जो है उस रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी जो एक समय में सस्ता जिंदगी महक से नूर ने कायम किया था। जी बिल्कुल, हमारे टेक्नीशियन जितने हैं, चाहे DOP हैं नरेंद्र पटेल, डांस मास्टर कोरियोग्राफर केदार सुब्बा जी, या मेरा कोर टीम साउंड रिकॉर्डिस्ट, हमने किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कंप्रोमाइज, इवन मेरा खाना बनाने वाले से लेकर पानी पिलाने वाले तक हमने बॉम्बे से बुलाया है। एक एक चीज़ हमने बॉम्बे से हायर किया, क्योंकि हमको मालूम था हम एक गांव में जा रहे हैं। नो डाउट मिथिलांचल अपने आप में फिल्म सिटी है, यहाँ लोकेशन का कोई कमी नहीं है। यही शूट हम बॉम्बे में करते तो हमको और बहुत ज़्यादा खर्च लगता, बहुत सारे पैसा लगता, लेकिन हम मैथिली फिल्म का बाज़ार छोटा है, हम एक साहस कर रहे हैं सोचने में। बाज़ार को रिसर्च किया हमने, सिनेमा हॉल के मालिक से बात किया, उन्होंने एक ही बात बताया, जो आज की डेट में जो मैथिली फिल्म बनती है, ऑडियो कहीं पर होता है, वीडियो कहीं पर होता है, कुछ अता पता नहीं, सारे रिश्तेदार उसमें काम करते हैं, ठीक है, 5 दिन शूटिंग अच्छा चलता, उसके बाद प्रोड्यूसर का सारा पैसा खत्म हो जाता है, पब्लिसिटी के लिए पैसा ना। देखिए, फिल्म 2 पार्ट में बनती है, एक तो प्री प्रोडक्शन, पहले से तैयारी करके आप प्लानिंग करके काम करेंगे, आपका बजट एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। दूसरी बात, फिल्म प्रमोशन पे भी चलता है। आज फिल्म का प्रमोशन क्या होता है, हमने नाम नहीं बोलूँगा, मेरे पास, मैं बॉम्बे में जितने यहाँ के निर्माता हैं मेरे पास पहुँचते हैं, जब उनका कमर टूट जाता है, कुणाल जी ये काम करवा दीजिए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन पोस्टर छपा हुआ, कई सारे मैथिली फिल्म का पोस्टर हमने छपाया है, पोस्टर छपा के उनको यहाँ से पोस्टर कुरियर करने का पैसा नहीं होता है, तो फिल्म जब तक आप
पब्लिक तक पोस्टर नहीं पहुंचाएंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया तक आप पहुंचाएंगे नहीं, तब तक फिल्म के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन कुणाल जी, मैथिली फिल्म का बाजार जो है काफ़ी अभी मंद माना जा रहा है, बहुत दिनों से मैथिली में कोई बढ़िया फिल्म नहीं आई है, या फिर यूँ कहें कि फिल्मों का व्यवसायीकरण हो गया है, बाजारवाद से प्रभावित है, जहाँ भोजपुरी फिल्म सफलता के झंडे गा रही है, वहीं मैथिली फिल्म इसके मुकाबले बहुत पीछे चल रही है। तो इतने बड़े बड़े फिल्मों का हिस्सा होने के बाद भी आपने मैथिली फिल्म को ही क्यों चुना? देखिए, मैं मिथिलांचल से हूँ, मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के पचदही का रहने वाला हूँ। मिथिलांचल से मुझे बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, रोजी रोटी के लिए मैं प्रवासी हो गया हूँ। आप एक बात इतिहास में जाइए फिल्म इंडस्ट्री के, सैया हमार फिल्म 2001 में जब बना था, उस टाइम से रवि किशन, उस टाइम से पहले रवि किशन को कोई नहीं जानता था, रवि किशन लक्ष्मण रेखा सीरियल में वो लाइन में खड़े होते थे क्राउड में। सैया हमार के बनने के बाद फिल्म का, जो भोजपुरी फिल्म का पैटर्न ही बदल गया। आज भोजपुरी फिल्म के हीरो लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं, फिल्म बिकती है, क्यों नहीं मैथिली में बिकी? आज भोजपुरी की फिल्में समस्तीपुर, सीतामढ़ी सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है जो हमारे मिथिलांचल में भोजपुरी की फिल्में करोड़ों कमा के जा रही है, हम लोग एक फिल्म का पोस्टर और रील और नेगेटिव और खाने का खर्चा तक फिल्म से नहीं निकाल पाते हैं, और मैथिली में इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर की कोई कमी नहीं, भरपूर पैसा है, मिथिलांचल में इतना प्रतिभा है, इतना पैसा है, जो मिथिलांचल के हर व्यक्ति और मैथिल चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव है, कहीं ना कहीं फिल्म से उनका रिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं फिल्म से लगाव है लेकिन उनको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं तो आप उस जानकार लोगों से मिलिए, और अपने आप को हम फिल्म बना रहे हैं लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार इसमें नहीं मिलेगा, आपको कोई दोस्त नहीं मिलेगा, कोई जान पहचान वाले नहीं मिलेंगे, सबको मैंने ओपन प्लेटफॉर्म दिया है। ओपन प्लेटफॉर्म पर ऑडिशन लेके मेरा हीरो, आप देखिए मेरा हीरो, मैंने नेपाल से बुलाया उनको, हीरोइन मेरे बंगाली है, रैना बनर्जी नाम है, आप कितना सुंदर मैथिली बोलती है वो, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इतना अच्छा अभिनय, तो क्यों हमने दरभंगा मधुबनी से हीरोइन नहीं लिया? क्योंकि मुझे लगा जो फिल्म का व्यवसायीकरण में मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होगा। तो ये सब बहुत बहुत सारी चीज़ है जो फिल्म के बनने से पहले हमको, आपको सोचना पड़ेगा, एक देहाती भाषा में बोलते हैं बनिया बनना पड़ेगा, जब तक आप बनिया नहीं बनेंगे तब तक फिल्म नहीं चल सकती, और ज़रूरी नहीं है सिनेमा हॉल में ही चल के सिनेमा बिकती है। कुणाल जी, फिल्म के बारे में कुछ है, बताएं किस, क्या थीम है स्टोरी का, और क्या ये फिल्म मार्केट में वो जगह हासिल कर पाएगी? वी आर ए मॉडर्न मैथिल, हम मैथिल भी टाइटन का घड़ी पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, वुडलैंड का जूता पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो आज की डेट में मिथिलांचल मॉडर्न हो चुका है। हम अभी भी विद्यापति अयाची जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब व्यवसायीकरण होता है फिल्म का, तो फिल्म का जो व्यवसायीकरण होने से पहले जो यूथ को चाहिए, जो फैमिली को चाहिए, हम ऐसा फिल्म बना रहे हैं जो आप पूरा फैमिली चेयर पर बैठ के, चाय पी के, सोफा पर बैठ के, पलंग पर बैठ के फिल्म देख सकते हैं, और ये फिल्म की कहानी लव स्टोरी के ऊपर है, दो धर्म के बीच की कहानी है, हिंदू और मुस्लिम के बीच लव, मोहब्बत और प्यार की कहानी है, और इसमें बहुत मिर्च मसाला है, बहुत कुछ मिलेगा, आप इसमें रोएंगे भी, हंसेंगे भी, आपको आनंद भी आएगा, सब मसाला मतलब नाटक का जो नौ रस होता है, श्रृंगार रस, विधव रस, हास्य रस, करुण रस, सब रस से भरपूर है, और ये फिल्म आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आजकल जो फिल्में बन रही है बेसिकली भोजपुरी में, जिसका बाजार बहुत है, विदेशों में भी देखा जाता है, और मेरा मानना है कि मैथिली के भी दर्शक जो हैं विदेश में हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, तो भोजपुरी के मुकाबले भोजपुरी फिल्मों में आजकल काफ़ी अश्लीलता परोसा जा रहा है। भोजपुरी भाषा से मुझे बहुत प्यार है, मैथिली अगर माय है तो भोजपुरी हमारी मौसी है। भोजपुरी फिल्म का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भोजपुरी के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, और उन्होंने अपना टाइम, उनको जानकारी नहीं तो वो टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं, लोगों को हायर करते हैं, लेकिन मैथिली में ऐसा सोचने वाले नहीं के बराबर हैं। अब बात रहा फिल्म का, तो हमारे फिल्म में हमने जो गाना दिया है कव्वाली, बहुत ही प्यारा कव्वाली दिया है, और उस कव्वाली को गा रहे हैं टॉसी रैना जी, जिन्हें कबीरा माने जा गए हैं, सब बड़े बड़े सिंगर को हमने लिया है इसमें, सूफी सॉन्ग दिया है, और कहीं से भी वल्गैरिटी का कुछ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और फिल्म एकदम सिंपल फिल्म हमने बनाया है। तो मतलब कर्णप्रिय गीतों के साथ स्वच्छ मनोरंजन लोगों को देखने को मिलेगा इस फिल्म के माध्यम से? जी जी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया, लोग कंप्यूटर से म्यूजिक बनाते हैं, हमने टोटल लाइव किया है, ढोलक बजना है तो ढोलक हमने बजाया है, वायलिन बजना है तो वायलिन बजाया है, संतूर बजाया है हमने, बांसुरी बजाया है, मतलब प्रैक्टिकली जो हिंदी फिल्म के ट्रैक पे काम होता है उसी ट्रैक के हिसाब से हमने काम किया है, और कहीं से भी फिल्म के साथ हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हो सकता है हम यहाँ टेक्नीशियन को लाए हैं, उनको तकलीफ़ होता होगा बैक स्क्रीन, लेकिन ऑन स्क्रीन आप देखिए फिल्म में आर्ट डायरेक्टर नहीं रखते। मैथिली का दुर्भाग्य है
हमारा डायरेक्टर देखिए पूरा रात भर जग के सेट लगाता है, आप साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं रखता, कैमरा से ऑडियो ले लिया जाता है, तो मैथिल फिल्म कैसे चलेगा? एक एक डिपार्टमेंट हमने पूरा अपने तरफ से जो 15-17 साल का मेरा अनुभव है सारा अनुभव को हमने मैथिली में प्रयोग किया है। और सिनेमा हॉल की जहाँ तक बात है तो सिनेमा हॉल से ज़्यादा आज एक फर्स्ट पहला मैथिली फिल्म ये होगा जिसमें आप सब टाइटल देखेंगे। आप ब्राज़ील की फिल्म देखते हैं, आप यूके की फिल्म देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, अब ध्यान से देखिए उसमें नीचे सब टाइटल आता है। कोई ऐसा नहीं है जो मैथिली फिल्म बना तो मैथिल ही देखेंगे, मैथिल व्यूअर ही होंगे तो मैथिली फिल्म चलेगा, मैथिल व्यूअर होंगे तो बहुत खुशी की बात क्योंकि उनका मदर लैंग्वेज है। बट हमारे यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका, बैंकॉक, कनाडा में भी लोग व्यूअर हैं, अंग्रेज और NRI भी लोग देखेंगे, तो उसके लिए हमने सब टाइटल डाला है। अमेजन पे बात हुआ मेरा, बिग फ्लिक्स, हॉट स्टार, सारे लोग एक्साइटेड हैं जो मैथिली फिल्म तो कुछ मिलाकर बहुत भव्य तरीके से इस फिल्म के फिल्मांकन के लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। प्रोड्यूसर साहब का यही कहना है, प्रोड्यूसर से बात करने के बाद यह स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि यह फिल्म कितना भव्य होगा और उम्मीद रखते हैं कि यह फिल्म जो है अपने बाजार को कायम करने में सफलता प्राप्त करेगी। इस फिल्म के और भी क्रू मेंबर से हम आपकी बात करवाएंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। जायका द क्वालिटी लैंडमार्क, जायका होटल, रेस्टोरेंट एंड टेक अवे, जायका होटल रिस्पॉन्सिव रिसेप्शन, लिफ्ट फैसिलिटी, luxurious room with free Wi-Fi, free newspaper, free breakfast, LED TV, fridge, running hot and cold water, centralized AC, iron table, iron facility on demand, and steam bath facility available in Darbhanga. Jayka restaurant, family privacy environment, party hall, centralized air condition, well-trained staff and staff, hygienic environment, best lighting and sound system. Jayka Take Away, we serve wrapped, veg, non-veg, South Indian, Chinese, exclusive thali and sweets etc. for your home with free home delivery facility. Naka number 6, Lahariya Sarai, Darbhanga. Mobile number 8877855 नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात आज करवाने वाले हैं मैथिली फिल्म प्रेमक बसात के कलाकारों से, तो इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म के लीड एक्टर और इंटरनेशनल मॉडल पीयूष कर्ण जी। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं इंडिया के यशवर्णिम टीवी के दर्शकों को अपने तरफ से नमस्कार करना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप इस शो को देख रहे हैं जो कि स्वर्णिम टाइम्स जो है कि अपने बहुत मेहनत से ये अपने जो इस लाइन में जो इनका जो कार्य है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के सेट पे आए और हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि पीयूष जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मॉडलिंग करियर के बाद एक बार एकदम से जो है मैथिली फिल्म क्या कहेंगे? जी काफ़ी लोगों का ये सवाल है क्योंकि बेसिकली मैं नेपाल से हूँ तो नेपाल से भी काफ़ी मेरे फैंस जो है वो ये सवाल मेरे से करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल मॉडल होने के बावजूद भी मैथिली मूवी में डेब्यू करना। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैथिली मेरा मदर टंग भी है, मैं नेपाल से हूँ लेकिन मैथिली मेरा मदर टंग है और उसके बावजूद भी मैथिली को मैं काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इसकी जो एक मिठास है इस भाषा में वो और भाषा से बहुत डिफरेंट है। और मैथिली मूवी करने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि मैथिली के मूवी को लेके काफ़ी सारी मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी है लेकिन जो इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है, जो इस मूवी में टीम वर्क कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये मूवी एक माइलस्टोन साबित होगी नॉट ओनली मैथिली इंडस्ट्री के लिए बल्कि बाकायदा ये इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री है वो इस मूवी के स्क्रिप्ट को काफ़ी सराहेंगे, प्रेस करेंगे और आशा करता हूँ कि मेरी ये इंडिया में पहली दो और आखिरी ना हो। तमाम जो न्यू कमर्स है उस लिहाज से भोजपुरी इंडस्ट्री को बेस्ट मानते हैं और आपने मैथिली को चुना है, तो कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है फिल्म की शूटिंग? ऐसा है कि मैं भोजपुरी में काफ़ी, हम लोग के नेपाल से विराज भट्ट जी को ले लीजिए जो भोजपुरी के सुपरस्टार बन चुके हैं, तो आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे भी भोजपुरी का ऑफर आया हुआ था लेकिन मैं भोजपुरी में उस टाइम पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपना एक बेस सेट करना चाहता था क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए उनका प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होता है। तो भोजपुरी इस लाइक ऐसा है कि भोजपुरी का भी मार्केट में बहुत सारा रिव्यू ख़राब है, आपको भी पता है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्टार भोजपुरी में काम कर चुके हैं, अमिताभ से लेकर जैकी श्रॉफ तक काम कर चुके हैं लेकिन मैथिली का क्या है कि मेरा अपना मदर टंग होने के यू नो लाइक बिकॉज ऑफ इट ऑल्सो
सो आई एम सो एक्साइटेड कि इस मूवी को मैं करूँ। हाँ, हमारे दर्शकों को बताएंगे इस फिल्म में किस तरह का कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा कैरेक्टर इस मूवी में एक डॉक्टर का है। अब काफ़ी मूवी ऐसी होती है जिनको आप कहेंगे कि डॉक्टर अब कहते के साथ में आजकल ऐसी मूवी बनती है कि पक्के ये मुझे स्टूडेंट लाइफ में मूवी बनी होगी या तो फिर किसी स्कैंडल पे बनी होगी। लेकिन ये मूवी का जो थीम है, इस मूवी का थीम टोटली डिफरेंट है और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में आज से पहले ऐसी मूवी की स्क्रिप्ट बनी होगी, क्योंकि ये मूवी लव, रिलीजन और फैमिली, ये तीनों का मिश्रण है। और मेरा कैरेक्टर जो है एक डॉक्टर का है जिनको एक लड़की से प्यार हो जाता है, बट आपको भी पता है कि प्यार सक्सेस बहुत कम रेट में होता है। तो इस मूवी की स्टोरी भी कुछ इसी लाइनअप में घूमेगी, लेकिन इस मूवी में आपको काफ़ी सारी ट्विस्ट मिलेंगी जो कि दर्शक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते देखने के साथ, गूज़बम्स आने वाले दर्शकों को ये मूवी देखने के बाद, क्योंकि इस मूवी का टिपिकल मिथिला के टोन पे बन रही है मूवी, क्या कहेंगे। मिथिला के टोन पे बन रही है तो हम मैथिली में ही कह चाहब, आप जेना मैथिली मूवी बन रहा है तो काफ़ी सारा काफ़ी लोगों के लागी एगो उत्साहजनक भी, काफ़ी लोगों के लागी एगो आशाजनक बात भी है कि मिथिला टिपिकल मिथिला पर ही मूवी बन रहा है। हालांकि हमारा तो काफ़ी दिक्कत भर रहा है कैला कि डायरेक्टर जी जो छथिन हमर बड़का दाढ़ी छे, हम एगो मॉडल छन, वो हमारा आबिक हमारे बगैचा क्लीन कर देने छथिन, तो हमारा काफ़ी बगैचा क्लीन करा के बहुत अफसोस है इनका। लेकिन हम अहाँ से पूछ चाहब कि तमाम जे मूवी छे कोनो कलाकार जे होय छे से अपन मूवी के स्टार्टिंग जे छे से प्रेम लव स्टोरी से करला चाहे छे, अहूँ के या ब्रेक भेटला की कहबे। हालांकि हम एक्सपेक्ट तो नहीं कयने छलहुँ कि हमर भी मूवी के करियर एगो लव स्टोरी से स्टार्ट हेतै, कैला कि बेसिकली हम नेपाली में भी एक मूवी साइन कयने छे जेकर अहाँ के फ्लोर में जाए अखन कनिक टाइम बाकी छै, लेकिन ई जे लव स्टोरी के जे मूवी होइ छै हम एक्सपेक्ट कयने रहियै कि शायद हमर ओ लाइन में जतै जो लाइन में कूल ड्यूड बॉडी के लाइफ में लुक होइ छै, लेकिन लव स्टोरी के लागि जब हम स्क्रिप्ट ही पढ़लहुँ तऽ स्क्रिप्ट पढ़ते के साथ हमर आँख के सामने एक इमेज क्रिएट भेलै कि शायद ओकर लागि आई एम द फिटेस्ट वन, सो डायरेक्टर जी भी काफ़ी इम्प्रेस भेला ई बातसँ, तो शायद बिकॉज ऑफ दैट हम आई अहाँ सबके सामने तो हिनकर जे छनि से मैथिली मूवी दर्शक के बेसब्री से इंतजार रहतन और इनसे बात करके हमें भी लगा कि नहीं इनमें वो टैलेंट है, हमने शूटिंग्स भी देखे हैं। तो आप ये बताइए शूटिंग के इस लोकेशन में गांव देहात में आने के बाद वो मुंबई वाला फील तो महसूस हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आप ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर करेंगे। वेल काफ़ी पहले 4-5 दिन काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि नई जगह पर एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होती है, नई क्लाइमेट होती है, नई तरह की खाना वगैरह होता है। और हालांकि मैं काठमांडू से हूँ तो काठमांडू का वेदर आप विश्व में बहुत प्रचलित है, तो यहाँ पे यहाँ के गर्मी के कारण से भी काफ़ी एज आप लोग देख सकते हैं कि मेरी हालत अभी टोटल कैसी हुई है, मेकअप के बावजूद भी इतना पसीना आ रहा है। बट 4-5 दिनों के बाद एक आदत सी हो जाती है, जब ऐसा है कि हमने कोई काम कोई कार्य को करने का सोच लिया है तो उसको दृढ़तापूर्वक डेडिकेशन के साथ वो कार्य करे, तो वैसे डेडिकेशन मुझ में भी है जिसकी वजह से मैं ये मूवी का 60% शूट कंप्लीट कर चुका हूँ। और आशा करता हूँ कि दर्शक लोगों को भी ये बात की बहुत सारी खुशी होगी कि एक नेपाल का इंटरनेशनल मॉडल, एक नेपाल के एक्टर इंडिया में आके मैथिली मूवी कर रहे हैं, शायद इस बात से उन लोगों को भी हैरानी होगी, लेकिन सच तो यही है। तो बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमारे साथ आने के लिए, अपने मूवी के बारे में और अपने करियर से रिलेटेड तमाम बातें हमारे स्वर्णिम टीवी के साथ की है, तो इनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए फिल्म प्रेमक बसात की हीरोइन रैना बैनर्जी। और रैना, आपकी खूबसूरती में मैथिली की जो मिठास घुली है इस पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सारे मैथिली फिल्म के दर्शकों के प्रणाम करना चाहूँगी, और मैथिली की खूबसूरती और बंगाल की खूबसूरती बहुत हद तक मिलता है, क्योंकि मिथिला और बंगाल जो है वो डिफरेंट नहीं है, भले ही हम बोलते हैं कि हम डिफरेंट है बट हम एक हैं, मिथिला की ओरिजिन और बंगाल की ओरिजिन जो है हम एक ही है, तो राज कुछ नहीं है, बस यही कि जैसे मिथिला की धरती इतनी खूबसूरत है तो मैं मुझे लगता है तो कि आप जो अपनी मैथिली फिल्म है जो आप कर रही है वो आपकी खूबसूरती को 4 चांद भी लगा रहा है, मैथिली भाषा हमने देखा है सेट पे, तो आपको क्या लगता है ये इसमें कहीं आपको कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं। कोई तकलीफ नहीं, इवन मैं यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं कलकत्ता से बाहर हूँ या अपने घर से बाहर हूँ, यहाँ के लोग बिल्कुल ही मेरे अपने जैसे हैं एंड यहाँ के जो मिट्टी है वो भी बिल्कुल बंगाल जैसे, तो आई एम एन्जॉइंग अ लॉट।
तो विलेज लोकेशन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअल फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसे विलेज में आई हूँ कि एकदम मतलब चारों तरफ पोखरा जो बोलते हैं पॉन्ड्स, ये सब मुझे बहुत इंजॉय, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। इवन हम होल टीम बहुत इंजॉय कर रहे हैं साथ मिलके। जो जो इस फिल्म में आपका जो कैरेक्टर है वो मैंने देखा है, क्या कैरेक्टर है जरा आपने दर्शक को बताएंगी? और इस फिल्म में मैं एक मुस्लिम गर्ल की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि बहुत सिंपल एंड सोबर है, और उसको एक हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है, बस उसी से वहीं से स्टोरी शुरू होता है। आगे तो फिल्म आप लोगों को देखना है और समझना है। तो दर्शकों पर छोड़ दिया है, बस छोड़ दिया दर्शकों है। को देखना है और समझना है। हाँ। लेकिन रैना, फिल्म को करने में काफ़ी कठिनाई है। मैथिली जो कमबैक कर रहा है इस वक्त, कमबैक के स्टेज में है। जो मैथिली है वो कमबैक के स्टेज में, काफ़ी पहले मैथिली की एक फिल्म आई थी। हाँ। तो उस फिल्म सस्ता जिंदगी महक सिंदूर, सस्ता जिंदगी महक सिंदूर, उसके बाद से जो है ये फिल्म अभी आप लोग कर रहे हैं। हाँ। और व्यापक पैमाने पर इसकी शूटिंग चल रही है, तो क्या लगता है आपको इसकी सफलता? देखिए, ये फिल्म जिस तरीके से बन रहा है वो बिल्कुल ही मैथिली या फिर मतलब रीजनल तरीके से नहीं बन रही है, नेशनल लेवल पर बन रहा है। सारे आर्टिस्ट, सारे टेक्नीशियंस, पूरे टीम मुंबई की है, और हम लोग तो 100% उम्मीद रखते हैं कि इस फिल्म के बाद सिर्फ मैथिली इंडस्ट्री का नहीं बल्कि ये स्क्रिप्ट है इस फिल्म का वो हमें नेशनल लेवल तक लेके जाएगा। हमने देखा है रैना, भोजपुरी फिल्मों को काफ़ी जो है उसमें अलग अलग तरह के सीन्स होते हैं जो समाज में अभी भी बहुत सारे वर्ग के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और हमारा मिथिला तो सांस्कृतिक है, जिस तरीके से बंगाल की संस्कृति है उसी प्रकार से हमारे मिथिला की खूबसूरत संस्कृति है। हाँ। तो क्या ये फिल्म उन फिल्मों से हटकर है? बिल्कुल हटकर है ये, मतलब जब देखेंगे तब समझ आएगा। ये स्टोरी इतना सिंपल है और इतना स्ट्रॉन्ग है, इवन जब दर्शक देखेंगे तो उनको हंसी भी लगेगा, रोना भी आएगा और गूज बॉम्ब्स भी आएंगे, तो वो तो आप लोगों को देखना पड़ेगा तभी आप लोग समझेंगे पूरी तरह से। ये फिल्म जो है लव स्टोरी है एंड ट्रेजेडी भी है, और इसमें बहुत कुछ मैसेजेस भी है जो कि सोसाइटी को मिलेगा। एक तरफ हम बोल सकते हैं कि ये फिल्म अभी मतलब अभी के लिए बहुत परफेक्ट है एज अ मैथिली फिल्म, इवन नेशनल लेवल तक। रैना, आपने इससे पहले दो शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, दोनों मेरे ख्याल से अवार्डेड फिल्म है, उसके बाद ये आपने जो मैथिली फिल्म किया है, तो क्या कहेंगे ये, इसको भी किसी प्रकार का अवार्ड का उम्मीद? बिल्कुल मिलेगा, हम लोग तो 100% उम्मीद रखते हैं कि इसको अवार्ड मिलेगा, क्योंकि स्टोरी जो है एंड हम लोग जितने हार्ड वर्क यहाँ पे कर रहे हैं तो हम लोग 100% उम्मीद रखते हैं कि इसको अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी तो हमारे प्यारे दर्शकों के हाथ में है, वही लेके जा सकते हमारे अवार्ड तक। क्या कहेंगे डायरेक्टर्स के बारे में, जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं, कितने सपोर्टिव हैं आप? डायरेक्टर तो इवन हम लोग अपना 40% देते हैं, बाकी 60% जो मैनर रहता है वो डायरेक्टर का रहते हैं। वो हमें बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्यार से काम कराते हैं, इवन हम लोग सब मस्ती में काम करते हैं, कोई किसी को डांटना नहीं, किसी का झगड़ा नहीं। एंड बाकी जितने भी है असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्शन टीम, मेकअप टीम जो है, मेकअप दादा जो है, वो हमको बहुत प्यार से सजाता है, ऐसा नहीं लगता है कि हम पहली बार मिल चुके। तो इंटरली हम लोग बहुत प्रेम से काम करते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से इस फिल्म को किस प्रकार देख रही है? उम्मीद रखते हैं कि जो भी पुराने हैं नए हैं इस फिल्म के बाद से सबका एक मतलब अच्छा जगह पे पहुंच, कंप्लीट मैथिली का विकास हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कलाकारी भी बहुत दिखेगा, क्योंकि सारे आर्टिस्ट जो है बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, सारे एक्टिंग बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद रखते हैं अच्छा ही का बस। रैना, आप कोलकाता से बिलोंग करती हैं और कोलकाता में जो आपकी फैमिली है वो फिल्मों को लेकर कितना आपको सपोर्ट करता है? 100% मेरी फैमिली जो है 100% सपोर्टिव है, खास करके मेरी पापा, मेरी मम्मी, तो तो घर से दूर रहती है जब उनको पता चला कि बिहार में शूटिंग होने वाला है, खास करके मिथिला में, तो किसी प्रकार का उनको कोई परेशानी तो महसूस नहीं हुई? कोई नहीं, क्योंकि मिथिला से मैं बहुत हद तक जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे अपने हैं, और यहाँ पे आने से पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कलकत्ते से बाहर जा रहे हैं। जब मैं आई थी तब ये सोच के आई थी कि मैं एक घर छोड़ के दूसरे घर में जा रही हूँ, इवन वही मुझे फील होता है, यहाँ के लोग मुझे इतना अपना लिए हैं। तो इस फिल्म को करने का कोई खास वजह? खास वजह है मेरी अंकल है वो राजेंद्र करण, वो भी मिथिला से बिलोंग करते हैं, अंदर थारी से, तो एक वजह तो वो हैं, वो चाहते थे कि मैं मिथिला में भी अपना एक पहचान बनाऊं, और दूसरी वजह ये है कि मिथिला और बंगाली लैंग्वेज बहुत मिलता जुलता है, एंड ये
स्क्रिप्ट जो है ये बहुत बड़ी रीज़न है मेरी ये फिल्म करने का। अच्छा, तो इस फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ कर आपको लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए, ये फिल्म बाकी फिल्मों से हटकर है, तो मतलब क्या अंतर आपको लगता है भोजपुरी फिल्मों में और मैथिली फिल्म जो अभी आप कर रही हैं? तो आपने बहुत सारे भोजपुरी फिल्म देखे होंगे। देखे होंगे, बट भोजपुरी के साथ स्क्रिप्ट का 1% भी कहीं से हम नहीं मिला सकते, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्क्रिप्ट है। एंड मैंने आपको अभी कहा ना कि ये नेशनल लेवल का एक स्क्रिप्ट है, जो बनने के बाद हम लोग उम्मीद रखते हैं कि नेशनल लेवल पर जाए और हमको अवार्ड मिले, जो आई थिंक आज तक भोजपुरी में नहीं हुआ होगा। तो अवार्ड विनिंग मूवी बनाने जा रहे हैं, ऐसे टीम के साथ आप काम कर रहे हैं जहाँ पर मतलब सारे लोग कॉपरेटिव हैं और बहुत सारा मस्ती कर रहे हैं आप सेट पर, तमाम बहुत सारी उम्मीद है दर्शकों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जाएंगे, इसको देखेंगे, बहुत प्यार से अपनाएंगे। और जो मैथिली फिल्म का इंडस्ट्री अभी तक मतलब हाई लेवल पे नहीं गया था, ये फिल्म अब मैथिली इंडस्ट्री को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाएगा। जो दर्शक अभी तक मैथिली फिल्म के लिए तरसते थे कि कब अच्छा एक मैथिली फिल्म आएगा, उनके लिए ये एक बेहतरीन फिल्म है जो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरे फैमिली के साथ आइए और फिल्म देखिए और हमें बहुत आशीर्वाद दीजिए। कहीं ये फिल्म हम भी दुआ करेंगे कि बहुत बहुत सफल हो और आपको अवार्ड मिले, तो क्या आप मैथिली को अपनाएंगी और मैथिली क्वीन के नाम से हो सकता है आपको जाना जाए? बिल्कुल अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे, अभी अभी तो शुरुआत है, ये पहला फिल्म है, आगे भी अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा, स्टोरी मिलेगा, अच्छा टीम मिलेगा, तो हम ज़रूर करेंगे मैथिली फिल्म। रैना, बॉलीवुड में भी आपके बहुत पहचान है और मैंने सुना है कि बहुत आपने वहाँ पे भी मेहनत किया है, कुछ आपके आने वाले फ्यूचर्स के बारे में कुछ बताएं? फ्यूचर्स के बारे में अभी तो मैं डिटेल में कुछ नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ वहाँ भी मैं जुड़ी हुई हूँ और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी आप लोगों से बात होगी। तो ये थी रैना बनर्जी, खूबसूरती में अब रैना की खूबसूरती घुल गई है, अब ये फिल्म अच्छा रंग दिखाएगा, दर्शकों को बहुत पसंद आएगी ऐसा रैना मानती है और इनका ये विश्वास है। तो इसी के साथ वक्त हो चुका है हमारे इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको कुछ और लोगों से मिलवाएंगे। जायका द क्वालिटी लैंडमार्क, जायका होटल रेस्टोरेंट एंड टेक अवे, जायका होटल रिस्पॉन्सिव रिसेप्शन, लिफ्ट फैसिलिटी, luxurious room with free Wi-Fi, free newspaper, free breakfast, LED TV, fridge, running hot and cold water, centralized AC, iron table, iron facility on demand, and steam bath facility available in Darbhanga. Jayka Restaurant, family privacy environment, party hall, centralized air condition, well-trained staff and staff, hygienic environment, best lighting and sound system. Jayka Takeaway, we serve wrapped, veg, non-veg, South Indian, Chinese, exclusive thali and sweets etc. for your home with free home delivery facility. Naka number 6, Lahariya Sarai, Darbhanga. Mobile number 8877855 1 8877855556। स्वागत है सिंशा जी हमारे कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे मैथिली मिथिला के लिए, और हम मिथिला वासियों के लिए गौरव की बात है ये फिल्म फ्लोर पे आ रही है जी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मैथिली भाषा है, जिसका अपना इतिहास है, जिसे अष्टम सूची में लाने के लिए हम बैजनाथ चौधरी सब काफ़ी प्रयास किए, और आज मुंबई में 20 लाख से ऊपर हम लोग मिथिला के लोग रहते हैं और हम लोग जहाँ भी मिलते हैं अपनी ही भाषा में बात करते हैं। जब हिंदी फिल्मों के द्वारा साउथ में, दक्षिण भारत में हिंदी सीख जाते हैं, तो हम लोग चलचित्र के माध्यम से भी अपनी संस्कृति को कायम रखना चाहता हूँ। और कहा भी क्या है कि अगर कला के माध्यम से जो काम हो सकती है वह कोई कानून नहीं कर सकता, कोई दबाव नहीं कर सकता। चलचित्र के माध्यम से
आने वाले जो हमारे नवयुवक हैं उन्हें भी रास्ता प्रदान की जा सकती है। तो मैथिली को पूरा प्रमोट कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से, तो जरा बताएंगे किस प्रकार का कैरेक्टर है आपका इसमें? मेरा जो चरित्र है इसमें कि हिंदू मुस्लिम को एक सूत्र में बांधना और देश के प्रगति में, इस मिथिला में भी हमारे बहुत मुसलमान भाई हैं जो लोग नफरत की आग बोते हैं उसे पाटने का मैं कोशिश करता हूँ जी। उसमें मैं एक व्यापारी के रूप में हूँ और उसमें मेरा एक डायलॉग है अजय देवगन के साथ कि हमारा कोई गलती नहीं है साहब, बच्चा कसम कहता हूँ, ननुआ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उल्टे हमारा कैश ले गया है। असर देखिए ठीक बात नहीं है, हम अकेले यहाँ नहीं रह गए, हमको भी थाना लेके चलिए। क्या ताली बजाने का मन कर रहा है, हमारे दर्शक आपके इस डायलॉग पे जबरदस्त तालियां बजा रहे होंगे। ऐसी मिश्रा जी थे जिन्होंने काफी मस्ती भरा माहौल क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। उम्दा कलाकार हैं, इन्होंने कई सारे फिल्मों में अभिनय किया है। तो इनसे बात करने के बाद आइए मिलवाते हैं आपको कुछ और कलाकार। आइए हम आपको लिए चलते हैं डायरेक्टर महोदय के पास जिनसे बात करवाते हैं फिल्म के बारे में और विशेष क्या कुछ इन्होंने अपने कलाकारों को ट्रेंड करके उनके अंदर से जो ऊर्जा निकाली है उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, आप दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी जो है आपने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिया है, हम देख रहे थे आपकी शूटिंग को, बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आपके डायरेक्शन में कोई भी कलाकार हो सकता है। और बड़ा सो नाइस ऑफ यू, इस तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम होता है, कभी भी डायरेक्शन अच्छा हो तो परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है और परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है तो क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है। लेकिन मैं यहाँ जितने भी एक्टर हैं मेरे अलग अलग इलाके से आए हैं, अलग अलग शहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, दरभंगा से, पटना से, मुंबई से, कोलकाता से और नेपाल से। हमारे मेनली डायरेक्टर हैं पीयूष कर्ण जो कि नेपाल से यहाँ आए हैं, रैना बनर्जी जो मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभा रही हैं वो आई हैं कोलकाता से। पूरी टीम इतनी प्यारी है और इतने टैलेंटेड लोग हैं कि तारीफ़ के शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी तारीफ़ में। इन्होंने मेरी तारीफ़ में कसीदे कस दिए कि आपने परफॉर्मेंस बेहतरीन निकाला। अब मैं कहता हूँ कि आप में स्पार्क होगा ही नहीं तो आप विद्युत का उत्पादन कैसे करेंगे, बिजली का उत्पादन कैसे करेंगे। तो मेरे जितने भी एक्टर्स हैं सारे बहुत टैलेंटेड हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे किरदार को वो जी रहे हैं। नहीं, थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे रैना बनर्जी से, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ 40% देते हैं, अब बाकी का काम जो है डायरेक्टर का है, वे हमारे अंदर से 60% निचोड़ लेते हैं। ऐसा है कि रैना बनर्जी के रूप में मैंने बेहतरीन अभिनेत्री पाया है अपनी इस फिल्म के लिए और मुझे लगता है कि जो किरदार मैंने गढ़ा था उसको इससे बेहतरीन और कोई नहीं जी सकता था। ऑडिशंस बहुत सारे किए मैंने, पटना में, दरभंगा में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में भी, पर कई सारे ऑप्शंस में जो सबसे बेहतर ऑप्शन मिला वो रैना बनर्जी के रूप में मिला और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरी जो मुख्य पात्र है माहिरा का किरदार वो निभा रही हैं, उसको इससे बढ़िया जीवंत नहीं किया जा सकता है। सरर साहब, ऐसा है कि सस्ता जिंदगी महक सिनूर जो मैथिली फिल्म के इतिहास में बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, उसके बाद से जो है मैथिली का बाजार अब तक जो है मैथिली फिल्मों का बाजार अब तक जो है एक हिसाब से सूना सूना था, क्या लगता है इस फिल्म के बाद से ये बाजार फिर से सजने को तैयार है? बहुत ही अहम सवाल आपने कर दिया है और बहुत ही गूढ़ सवाल कर दिया है, इसका जवाब इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता है। पर चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी और आपके माध्यम से कि बाज़ार तो अभी भी नहीं बना है। बाज़ार और उत्पादन अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों का चोली दामन का संबंध है। उत्पादन होगा तो बाज़ार बनेंगे, बाज़ार है तो उत्पादन होंगे। पर विडंबना ये है कि मैथिली फिल्मों का निर्माण बहुत ही कम होता है, निर्माता आगे नहीं आते हैं, उनको ये चिंता सताई रहती है कि बाज़ार नहीं है और हम मेकर्स को ये चिंता सताई रहती है कि हम उत्पादन करेंगे ही नहीं तो बाज़ार आएंगे कहाँ से। रही बात सस्ता जिंदगी महक सिनूर,
अरसे बाद इस फिल्म का निर्माण किया गया था मैथिली में, जहाँ तक मुझे याद है 1999 में ये मूवी आई थी, और जहाँ तक मेरी याददाश्त अगर सही हो तो। और उसके बाद कई सारी फिल्में बनी। क्या होता है कि दर्शकों को एक स्तरीय फिल्म चाहिए होती है, एक क्वालिटी फिल्म चाहिए होती है। एक हिसाब से कहें तो वो फिल्म जो है मैथिली फिल्म जगत में एक मील का पत्थर टाइप से था, और उनके तमाम कलाकारों को जो है बड़ा बड़ा पहचान मिला था उस फिल्म के माध्यम से। तो अभी जो फिल्में हैं अभी अपने पास जो अभी चल रही है, उम्मीद तक भी कुछ ऐसा निकल के आएगा। देखिए ऐसा है कि कोई भी अपने बच्चे को ख़राब तो बोलता नहीं है, पर हकीकत ये है कि इस फिल्म के निर्माण में लगे जितने भी लोग हैं, प्रोड्यूसर हमारे वेदांत झा, लाइन प्रोड्यूसर कुणाल ठाकुर, कैमरामैन नरेंद्र पटेल, म्यूजिक डायरेक्टर प्रवेश मल्लिक, सरोज सुमन, राइटर डायरेक्टर रश्मि रूपक शरर, और अभिनेता अभिनेत्रियों, सबके नाम मैंने गिनाए हैं, कुछ एक नाम छूट रहे हैं अभी जहन में नहीं आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, बट जितने भी लोग लगे हैं इस फिल्म के निर्माण में पूरी शिद्दत से लगे हैं, और वो 100% नहीं 200% दे रहे हैं अपना। उनकी एक ही ख्वाहिश है, उनका एक ही ख्वाब है कि ये फिल्म एक बार फिर से मील का पत्थर साबित हो, और यहाँ से एक श्रृंखला चले, यहाँ से एक रास्ता बने कि लोग सोचें और सोचने को मजबूर हों कि मैथिली फिल्म हम बनाएं और एक अच्छी फिल्म बनाएं, ताकि घर में दुबके लोग वापस आए। हमने काफ़ी लोगों से अभी फिल्म के सेट पर बातचीत करी है, उनमें से काफ़ी सब लोगों ने बताया फिल्म के बारे में कि बहुत अच्छा है, पर अब तक किसी ने मुझे इस थीम के बारे में नहीं बताया जिस पर ये फिल्म बन रही है। तो हमारे दर्शक बहुत देर से जानना चाहते हैं कि ये किस थीम पर बन रही है फिल्म। ये विशुद्ध रूप से प्रेम कहानी है, अर्ली एज की प्रेम कहानी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लव एट फर्स्ट साइट शायद आप में से बहुत लोगों को भी हुआ होगा। जी जी, तो ये लव एट फर्स्ट साइट की कहानी है, अर्ली एज की कहानी है, इश्क में डूबे दो लोगों की कहानी है। कई सारे उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, रियल लाइफ में भी आते हैं, तो ये कहानी भी रियल लाइफ की कहानी है, इसमें भी कई सारे उतार चढ़ाव हैं, और अंततः दर्शक इसको खुद से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हर दृश्य इसका है वो रियलिटी के करीब है। इसमें अलग से कुछ भी ठूसा हुआ सा नहीं है, न गाने इसमें ठूसे हुए से हैं और न सिचुएशन ठूसा हुआ सा है। जैसे अभी ये मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ऐसी ही सिचुएशन उठा को फिल्म के निर्माण के दृश्य में डाला गया है। तो अब इससे पहले भी आपका करियर जो है बहुत शानदार, इससे पहले जो फिल्म आई है मेरी उसका नाम है चौहर, वो भी एक प्रेम कहानी है, एक दलित युवक हैं, और ये भी मैथिली की फिल्म है, ये हिंदी फिल्म है, चौहर नाम है, YouTube पे उसका ट्रेलर आपको मिलेगा। चौहर एक बार रिलीज़ किया गया था इसे, बट हाई कोर्ट में मुद्दा बनाकर इस पर केस किया गया कि इसमें कुछ विवादास्पद चीज़ें हैं, जबकि हमने आगे बढ़ के कहा कि विवादास्पद चीज़ें अगर होती तो सेंसर बोर्ड उसे पास नहीं करता। सेंसर बोर्ड से पास की हुई फिल्म है, वो फिल्म फिर से रिलीज़ करने की तैयारी चल रही है। चौहर उसका मैं राइटर क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ, और उससे जस्ट पहले एक मूवी आई थी जट जटिन, जिस फिल्म ने काफ़ी धूम मचाई, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में नामांकन हुआ है उसका, और जट जटिन का भी मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुका हूँ। उसकी शूटिंग यही बिहार में ही बेगूसराय में की थी। हाँ, चौहर की शूटिंग भी मैंने बिहार में ही की थी बेगूसराय में, और इस वक्त इस फिल्म को लेकर हमारी पूरी टीम यहाँ है, करियन गाँव है, समस्तीपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर, तो करियन गांव में ये शूटिंग चल रही है, कुछ एक दिन का काम और हमारा बच गया है। फिल्म की सफलता के बाद ये आवाज़ जो है पुनः वापस लौट आएगी, डायरेक्टर का मेहनत तो दिख ही रहा है, अब हमारे दर्शक तय कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस दुआ के लिए। आप सबसे गुजारिश है मेरी कि जब ये फिल्म आए आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, प्लीज़ पूरे परिवार के साथ जाइएगा, मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। पहली बार मैथिली में किसी फिल्म में सूफी गाना आ रहा है, पहली बार मैथिली में कवाली आ रही है, मतलब कई सारे इसमें रंग हैं जो आपको सराबोर करेगा।
बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो पहली बार एक मैथिली फिल्म में देखने को मिलेगा, इंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट डोज। तो प्लीज़ और प्लीज़ इस फिल्म को देखने की अभी हमारे डायरेक्टर साहब दुआ कर रहे थे, तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। तो मैथिली फिल्म प्रेमक बसात के सेट से हमने उनके कलाकारों और क्रू मेंबर के साथ खूब मस्ती की, बारी बारी से सबसे बात किया, सबने बहुत बहुत प्यार दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें और हमारी पूरी टीम को तत्काल दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से कुछ नए कलाकारों के साथ फिर नए सेट पर आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।